वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी वेट लॉस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कॉलीफ्लावर सैलेड की रेसिपी। आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इट इज़ वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे पर्सनली सैलेड्स पसंद नहीं है, बट मेरे चैनल पर ऑलरेडी दो डिफरेंट सैलेड की रेसिपी है, दैट इज़ ब्लैक चना सैलेड एंड एग वाइट सैलेड। नाउ दिस इज द थर्ड सैलेड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट। और जो मैं चीज़ खुद खा सकती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दैट इज़ वाई मैं आपके साथ बहुत सारी डिफरेंट सैलेड रेसिपीज शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट ईट ऑल ऑफ दैम। आई लाइक टेस्टी फूड एंड दैट्स वाई शेयर ओनली टेस्टी रेसिपीज। सो दिस इज़ माई वर्जन ऑफ कॉलीफ्लावर सैलेड रेसिपी। आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इफ़ यू ट्राई इट। डू शेयर द पिक्चर्स विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, आपको यहाँ मिल जाएगा ऑन द स्क्रीन इफ़ यू ट्राई इट। ऑल्सो मैंने इसीलिए यही कलर, सेम कलर का टॉप पहना है, सो आई गेट द फीलिंग एंड गिव यू गाइज द फीलिंग दैट वी आर गोइंग टू मेक कॉलीफ्लावर सैलेड। लेट्स जस्ट गो एंड चेक आउट द रेसिपी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हाफ टेबल स्पून ऑयल डालना है एक पैन में और पीनट्स को रोस्ट करना है। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं पीनट्स को, पर इस तरीके से रोस्ट करने में एक बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। और हम ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इन पीनट्स को निकाल कर रख लेंगे साइड में। और उसी पैन में अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स को हमारे ऐड करूँगी, लाइक अनियन। तो हमने एक्स्ट्रा ऑयल भी यूज़ नहीं किया, बट ट्रस्ट मी ट्राई दिस आउट, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा लगेगा। उसके बाद कट कॉलीफ्लावर, साथ में ये ग्रीन पीज हैं ये मैं डाल रही हूँ। फॉर स्पाइसेस टर्मरिक मैंने डाला, रेड चिली डाला, उसके बाद नमक डाला थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड लास्ट में तवा फ्राई। ये तवा फ्राई डालना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाता है। उसके बाद आपको सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है, देन थोड़ा सा पानी ऐड करना है और ढककर उसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है स्टीम से, जिससे कॉलीफ्लावर अच्छे से पक जाए। मीनवाइल यहाँ पर मेरा जो ब्रोकली है वो भी अच्छे से स्टीम से पक रहा है। ब्रोकली भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूसरी भी वेजीज कोई ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रोकली, या फिर ब्रोकली भी और साथ में दूसरी भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। नाउ ये अच्छे से पककर रेडी हो गया है, अराउंड 2-3 मिनट्स में इट इज़ ऑल रेडी। और इसी तरीके से आप स्टीम करना, इट टेस्ट रियली रियली गुड। और ऊपर से अब मैं इसमें ब्रोकली ऐड कर देती हूँ। ब्रोकली को मैं पकाती नहीं हूँ इसके साथ, अदरवाइज द टेस्ट बिकम्स वेरी वियर्ड एंड ब्रोकली का कलर भी चेंज हो जाता है। ब्रोकली इसी तरीके से बेस्ट लगती है, आई फेल्ट। तो बस उसके बाद मैं पीनट्स भी जो हमारे रोस्टेड हैं वो ऐड कर दूंगी एंड साथ में स्प्रिंग अनियन ऊपर से, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप ट्राई करें या फिर आप इसकी पिक्चर अगर क्लिक करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज़रूर शेयर करना। उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है टू शेयर मोर डिफरेंट रेसिपीज़ विथ यू ऑल। अच्छा, इसको आप लंच या डिनर किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, इट्स दैट हेल्दी। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट विथ मोर पीपल एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।